عُقْبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى بسم الله الرحمن الرحيم فحملته أمه وهنا على وهن صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله सेहतमंद रहन खुश रहन और अपने पुत्रां वास्ते दुआवां करदियां रहन। माशाल्लाह पिंड दे सारे संगी बेली बैठे हो, अल्लाह आपका बैठना कबूल करे। अजीजम इरफान साहब साडे खिदमत गुजार हुंदे ने गाहे बगाहे, अल्लाह इन्हां नूं बरकत अता करे। और आप सब संगत वालियां दा इस बजम विच शरीक होना अपनी बारगाह विच कबूल फर। अल्लाह कुरान पाक विच फरमांदे ने वमा अना बिज़ल्लाम मिल्लिल अबीद, मेरा रब फरमांदा है मैं अपने बंदियां ते जुल्म नहीं करता। अगर मेरा रब किसी की मां नू ले जांदा है ते उदे ले जान विच बेहतरी है, अगर मेरा मालक किसी नू रखदा है तो उदे रखण विच बेहतरी है, किसी नू बुला लैंदा है तो उदे बुला लैण विच बेहतरी है। लिहाजा सानू किसे कलाम दे एतबार नाल भी या किसे गुफ्तगू के एतबार नाल भी अपने रब अगे शिकवा नहीं करना चाहिए कि अल्लाह मावन क्यों लै जाना। अब समझ आ गई, ये शिकवा करना ममनू है। असी अल्लाह दे बंदे हाँ, अल्लाह दे बंदे अपने रब अगे एहतजाज नहीं कर सकते, बल्कि वो हर हाल
हालत सरे तस्लीमे खम है जो मिजाजे यार में आए कि जिमें मेरा रब करता है उंज सही है, जो साड़ी चाहते वो सही नहीं, जो अल्लाह दी चाहते वो ठीक है। क्यों? अल्लाह साढ़े तो ज्यादा अलीम और खबीर है, वो ज्यादा इलम और खबर रखता है साढ़े नाल। अक्सर बंदे जो को फौत हो जाए तनोन लगे हैं लफ्ज बोलते होंगे पहले कि साढ़े ना बड़ा जुलम हो गया है, साढ़े ना बड़ी ज्यादती हो गई। बहुत बड़ी सरी गलती है, बाबुलमा ने इसमें कुफर लिखा है। सो जो भी मरण वालों के बारे कलाम करो तो अल्फाज का इस्तेमाल हमेशा बेहतरीन करो। भाई मियां नफ्स गुम करदा मियायत जुनेदो बा यजीदी जा, इथे दम मारण दी जा नहीं कोई ते तेरियां तू ही जाने। इथे दम नहीं मारना, सरे तस्लीमे खम। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम अल्लाह दे नबी ने बहुत माल सी उन्हां को, बहुत औलाद सी उन्हां को, बड़ी सेहत सी उन्हां को, बेटे कट्ठे बैठे सन, खाना खा रहे सन, छत डिगी ते सारे बेटे फौत हो। आप को खबर गई थी, आपने फरमाया उसी दीते सन उस नहीं दिते, सारा माल अलाक हो गया। खबर पहुंची थी फरमाया वो दिता ही सी उन्हें ले लिया। एहतजाज नहीं, शिकवा नहीं, बीमार हो गए। सात साल ते सात महीने ते सात दिन बीमार रहे हजरत अयूब। थोड़ा अरसा बीमारी का नहीं, आप दियां बीवियां आपनू छोड़ गईयां, अजीज छोड़ गए। अल्लाह अकबर। हर कोई भी खालद ना रही प्यार करता है। हाँ जी, पीते रहो जनाब, बह के आराम ना। वो मुदसर थोड़े वास्ते दूध लैन गया, क्योंकि थोड़ा दुध तो बगैर गुजारा नहीं ना होता। हाँ जी, तो इतना अरसा अल्लाह दे नबी बीमार रहे, लेकिन शिकवा नहीं किया अपने रब का कि मेरे मालिक इतना लंबा अरसा मैं बीमार हाँ। साडे कोल बंदे जाते ना दम करन, तो मुड़ बह के साडे घर जी कुछ सख्ती है पई, साडी ते अल्लाह भी नहीं सुनो रहा। नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, ऐसी गल नहीं है। अल्लाह अपने प्यारियां दा इम्तिहान लेता है। وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اسی امتحان نو سختی سمجھ لینے ہاں۔ ویسے جس لے نکیاں ہوندے ہیں امتحان دے دا اس لے لگدی تے سختی آئی، लेकिन उदू सख्ती लगती है जो पढ़िया ना हो जो फिर परौंदा हो सख्ती कोई ना ही लगता। हाँ जी, सो दोस्तों रदी लो, ये साडे रब दा साडे तो इम्तिहान होंदा है। अल्लाह फरमाते वाला नबलुवन्नकुम बिशय मिनल खौफ, मैं खौफ जदा करके आजमा लेना। वलजू, मैं भूख दे के आजमा लेना। नक्स मिनल अमवाल, और मैं माल च कमी करके आजमा लेना। वल अनफुस, जान च कमी करके आजमा लेना। व समरात, और कदी फसलें च कमी करके आजमा लेना।
फिर जड़ा बंदा उस आजमाइश से पूरा उतरे वबशर الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ जो किसी कोई मुसीबत आवे तो सबर करे उस सबर करने वाले अल्लाह की तरफों बिशारत है। सबर दी ते सारी गल है, सबर करनी ते औखा होया और बंदिया तो सबर ही नहीं हुंदा। अल्लाह कुरान में फरमाते ने कान अल इंसान उजूला, इंसान बड़ा जल्दबाज है, वो हर काम ठोठो करना चाहता है। भाई सबर कर, सबर हौसला कर। 7 साल अल्लाह दे पाक नबी बीमार रहे, आ साडे जाचा ने मुड़ जदू रब शिफा दे होवे तो खट्टी लस्सी तू भी दे छड़ लै। सबब जो बनना हुंदा देंदा ते अल्लाह ही है ना। जदू अल्लाह दे नबी हजरत अयूब नू अल्लाह ने इरादा फरमाया कि हुण 7 साल ते 7 महीने बीमारी लंघ गई है तो हुण मैं अपने प्यारे सेहत देनी है। अल्लाह फरमाया सोने अपनी अड्डी जमीन ते रगड़। बस समझ आउंदी पई है। अदीदा ने बकार मेरे अल्लाह फरमाया उर कुतबे रिजली कहारा मुख्तसलम बारिदो व शरा। अल्लाह फरमाया सोने अड्डी रगड़ो ना, एक पानी गर्म निकलेगा तो एक पानी ठंडा, दो चश्मे निकलेंगे ठंडे और गर्म पानी वाला। सोने ठंडा पी लिया जी, गर्म नाल नहा लिया जे तो आ बीमारी तुहारी एक बारी नहाने वाली सही हो जाएगी। ए जे मेरे रब दे देन लगे तो मेरा रब ऐ करम फरमांदा है, सिर्फ एक बारी नहा लै तो सोने सही हो जाएगा। गल तो ओदी करम दी होई, गल तो ओदी मेहरबानी दी होई। जदू साई मेहरबान हो जाए उदू सुके साबे कर छड़दा है, उदू लस्सियां तू सेहत दे छड़दा है। सिर्फ पानी पीण नाल बंदा शिफा याफ्ता हो जाता है क्योंकि उत्तू रब सेहत लिख छड़ी होंदी है। हजूर मियां मोहम्मद बख्श साहब रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह दे दरवेश ने, और दरवेश कामल ने, जट फकीर है पर कामल फकीर है। हजूर मियां मोहम्मद बख्श साहब रहमतुल्लाह अलैह आप फरमांदे ने अव्वल हमद सना इलाही ते जो मालक हर हर दा उस दा नाम पुकारन वाला ते किसे मैदान नहीं हर सुभान अल्लाह। ठट्टे जोइयां वाले आओ, मैं खवाया कदे नहीं पर तुहाडे तो मैं दब के खवाणा है। जंग लगी है मैनूं लगदा है, मैं शक बोलदा है जंग लगी है। हाँ जी वो जंग लैण वास्ते मैं प्याला वा दब के आखो सुभान अल्लाह। निरा मसीत बनाना कमाल नहीं हुंदा, मसीत आउणा कमाल हुंदा है। मसीत बना के घर सह रवीद है, जे मसीत आउणा ने इत्थे बनाई किस वास्ते है। लो जी बना छड़ी है ते अल्लाह राजी हो जाए, बनाया नहीं राजी हुंदा, आया राजी हुंदा जे। हुण थाने बंदा आ जाए ना ते इत्थे बाहर बह गया कि भाई मैं साइयां गलिया मैं वेखिया केड़ा केड़ा नहीं आउंदा उन फदना। सिर्फ ये आखे मैं साइयां फरमाया है थाने वालियां उत्थे बह जा रजाकार आ जाए, मसीत दे बूहे अगे खलो जा, जेड़ा जेड़ा नहीं आउंदा उहदा नां लिख शामी फड़ लैणा है। ते जेड़े ईद ते आउंदे नूं नसारियां तों पहिलां आके बैठे आउणा, मियां जी अजे टाइम नहीं होया, उहनां तों पुछे अज जनाब बड़ी गल है अज तजदे लई फजर पढ़न आ गए हो, खैर है तो ना कहणा जी बाहर बंदा बैठा है की करे वो वेंदा पिया। मैनूं समझ नहीं आई बई बोलिया तेरी, तेनूं रजाकार वेखे ते तू सारियां तों पहला आउणा है, तेन किसे नहीं दसिया जलिया तेरा रब तेनू वेंदा पिया। वो रकीब नती दे अल्लाह रकीब रकीब जेड़ा हर वेले तेरे ते नजर रखता है। अल्लाह सोने दी हर वेले अपने बंदे ते नजर है। वो अलीम मिजाज इस सदूरे डर क्यों नहीं जाऊंगा,
जेड़ा बंदा नमाज ना पढ़े उन्हें थाने हाजरी लवाओ। साडे बुजुर्ग दसदे ने जिस बंदा मसीते ना जावे असी ना जाइए तो घर आके भी हाजरी लवेंदे आ, तुसी कोई ना हो असी गए आए, तुसी कोई ना हो असी गए आए, साडी हाजरी ला छड़िया, मते सानी ना होवे तू मसीते ने आया, स्वाद ते आया है ना गल दा। कैसे लोग ने अल्लाह दी बारगाह विच मसीते नहीं आना, बस ठीक है बना छटी है ठीक है। वो बदबख्त आदमी है जिहड़ा अल्लाह दी घर विच हाजरी नहीं देंदा, बदबख्त है, ओहदे बख्त सुते ने, बख्त जागदे होंदे ते बंदा मस्जिद विच हुंदा। अल्लाह वाले ने बड़ी कमाल गल कीती हुई है, अल्लाह वाले फरमांदे ने चंगे अमल कमाल है बंदिया ते कर कुछ याद इलाही खबर नहीं किस वेले थो ते तू हो जाना राही। पता नहीं भाईया किस वेले तू टुर जाने, इस तू पहला चंगे अमल कर ला, अपने अमाल का मुहासबा कर ले, अपने अमल चंगे कर ले, रब दे घर नू आबाद कर ले। पता नहीं किस वेले कबर जाके आबाद करनी, उस तो पहला रब दे घर नू आबाद करके जाई तेरी कबर रोशन रहेगी। सारे बेली नियत करो कि असीं अगों मसीते आवां करांगे। ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਬਾਈਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਨਮਾਜ਼ ਕਦੇ ਮੇਰੀ ਮਸੀਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਟਾਈਮ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਯਾ ਅਜ਼ਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਹਿ ਕੇ ਮਹਿਫਲ ਪੇ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ, ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਚੋਂ ਬਾਹਰ। ਉਹ ਬਾਈਆ ਆਸ਼ਕਾ ਕਿਤੇ ਆਏ, ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਫਲ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਤਕਰੀਰ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਈ, ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਂਗ ਹੋ ਗਈ। समझ आई है कोई ना गल, तू जो सवेर का मसीते बैठा है ते जो पेशी की अदान हो गई तो बज के बाहर क्यों निकलिया, उस आख्या वांग हो गई है। अगला बंदा हैरान ते परेशान, बस आलमा वांग हुंदी है ते बंदे बाहर अंदर जाते ने, तैन कि शह चाह के बाहर धर छड़िया अंदरों। उस्मान तो पूछ लो किन्नी बारी, मैं तो हूं तो खैर मैं नहीं सुनिया क्योंकि मैं लेट जाना, अगे कदी महफल से तुर जाइए ना, महफल शुरू होने तू पहला तो फिर ऐलान हों, आशक सारे हजूर दे ऐलान सुन लो, नमाज पढ़ी गई है तो हूँ तुम मसीते आ जाओ ताकि महफल शुरू करिए। है आशक आओ मैं थोड़े तो सदके हो जाव। कैसे आशक ने जो सुडीक ने नमाज पढ़ी ले मुड़ असी जन्नत लैन जाना है मसीते। डंडे वाला बंदा हो जेड़ा दाह मार के हिके गिण के आखे चल मसीते, ये कौम इंज मसीते आने वाली है, तरलिया नाल आने वाली नहीं। अपनी अपने कौम के मिजाज का पता होंगे, इन्होंने जिन्ना तो भाई है मसीते आओ आया करो, आंधे नाल आ मौलवी आवेंगे जी, दूजे पासे रंगला डंडा वेख लैन ते छाल मार के वेच। उसे जिना इत्थे वाले डंडे तो डरना है, कबर दे अज़ाब तो डर नहीं आउंदा। जे तू गुनाहगार बंदे कबर जाने ना ते कबर उंदे उत्ते तंग हुंदी जांदी, इन्नी तंग हो जांदी है कि इदलियां पसलियां इदलियां दाखल हो जांदियां ते इदलियां पसलियां इदलियां में दाखल हो जांदियां, फिर पिछा हटदी है मुड़ आउंदी है और उन्ने अज़ाब हुंदा रहिंदा है, तंग हो जांदी है एड्डी कबर उस बंदे दी। अगर कबर की तंगी तो बचना जे ते नमाज पढ़िया करो, चाहते हो ना कि साड़ी कबर तंग ना हो ते नमाज पढ़िया करो, मसीते आवया करो, तुहाडी मेहरबानी है।
نہیں بولتا تو ان کیڑا میرا آپ پہ آیا ہے ان کیڑا میرا آپ پہ آیا ہے چپ کر کے بیٹھے ہیں نہ ہوں کرنا ہے نہ آ کرنا ہے آہو آہ ہر ویلے رہندا بھی پینا نہ آڑے خیر ہر ویلے تو نہیں رہندا لیکن گائے بگائے ہوندا ہے تو چنگ لے کے باہر جانا ہے جس لیے اذان ہو جائے اے بھائیو اللہ دا ناج ہے کوئی سیدھی لین تے ہو وہ یار کدے چلے ہو سیدھی لین تے ہو وہ مہربانی کرو تسی تے ساڈے گواڈی ہو ٹھٹے جو نیاں والے بندے آکھنا چنگے پیراں دے گواڈی ہے کدی پیر نہیں نے مسیتے دریا اج سارے بیلی نیت کرو کیسے اگو نمازی ہو جانا ہے کرو اے نیت پتا لگے وہ مسجد تبلیغ ہوئی ہے تو فرق پہ جنہیں انشاءاللہ کوئی نہیں کیتی پتا نہیں انہوں نے کی ارادہ ہے جنہیں انشاءاللہ کیتی انہوں نے میرا سلوم سلام سلیوٹ ہے لیکن جڑے موڑوی آج بیٹھے ہیں بس تو انشاءاللہ بھی نہیں اکھین دی اگاں تو بات دور دے اے سونی ابو تھیاں لیا ہو توڑے تو میں قربان ہو جاؤں جڑے صرف انشاءاللہ بھی نہیں آن دے با منہ اسی کیوں کھولیے انہیں رب دے دیتے چولاں تے منہ کھول لینا وہ بھی رب دے دیتے ہی چاول انہیں تے انہیں کھول بھی لینا نے منگ بھی کھول کے لینا انہیں تے موڑ سارے تو سپیڈ جوی اگا انہیں لیکن وہ نماز دی باری انشاءاللہ بھی نہیں پیان دے اللہ نے چاہتا جی ضرور پڑھا دے جنہ جنہ ذہن بنا لیا ہے وہ بندے آکھن انشاءاللہ لو انہیں بتیرے ان مرجی نہ توڑنے انشاءاللہ نہیں ہوں دی انہوں نے نماز کی آخی ہے عزیزہ نے محترم بگرامی قدر حضرات میرے نہ بچیاں نے اپنی والدہ دے سال ثواب واسطے بزم سجائیے ماں شہی اڈی ہوں دی ماں ماں دے حقی اڈی ہوں دے نے کتاباں میں چاہوں دا ایک بندے نے اپنی ماں نو موٹیاں دے چاہ کے سات حجاں کرائیاں موڈیاں تے چاہ کے سات حجاں کرائیں جدو ستویں حج کرا لئی چار پائی تے لمحہ پیا دل وچ خیال لیاندا اللہ سونیا میں اپنی ماں دا حق دے چھڑیا اے ستا تے خواب آئی کسے میں خواب چاکھے بیلیا یاد کر ایک ویڑا سی جدو تو حرکت نہیں سہ کر سکدا تیری ماں نے تینو اپنے نال سلایا سی تو رات نو بستر گلا کر دیتا تیری ماں نے سردیاں دی رات گلے بستر تے سون کے تینو اپنے سینے نال سلائی رکھے آئے او حق ادا کرن والے اجے تیوس ایک رات دا بھی حق نہیں دے سکیا جڑے مامن جھڑک دین جڑے مامن بران دین جڑے مامن لڑ دین جڑے مامن مار دین او بندے غور کرن ماں کی ہوندی ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ سرکار آپ فرما دے نے میں ایک سال حج کرن واسطے گیا میں ویکھیا ایک بندہ کعبہ دے نال لپٹیا ہویا ہے تے اللہ کی عرض پیا کردا ہے اللہ سونیا مینوں معافی دے دے رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے میں تے کم بن جاندا میرا سبحان اللہ دب کے آکھو سبحان اللہ او ذرا دب کے آکھو سبحان اللہ این پتا لگے محفل پی ہوندی ہے مسجد اے مسجد تواڈے ذکر دی گواہ ہوئے اے عزیزان محترم خواجہ صاحب فرماتے نے سید بادشاہ کہ جدو میں یہ سنیا نا یہ بندہ کعبہ شریف کو کھلو کے اللہ کو معافی مانگ رہا ہے اگو کعبے وچوں آواز آ رہی ہے
कि जा चला जा तेन माफी नहीं मिलनी। वह फरमाते हैं मैन ख्याल आया भी इतने आके तो सारिया गुनाहगारा की माफी हो जाती है, इंदी क्यों नहीं होंगी बी। फिर मंदिर मैं तफ्तीश हाल वास्ते उस बंदे को गया, मैं कह यार तू किता की है जिंदी इतने आके भी माफी नो पिटी नहीं। हम सारे गल गौर ना सुनो ना यार तू की किता जिंदी इतने आके भी माफी नहीं मिली। फरमाते उस बंदे मैनू क्या बुजुर्गो आप कौन हो। फरमाते ने मैं दसिया मेरा नाम सैयद मोइनुद्दीन है। फरमाते उस वेले उस नौजवान ने क्या बुजुर्गो मेरे नाल मेरी मां नाराज है, मैं हर साल काबे आना, मैनू 17वां साल है काबे आंदिया, लेकिन हर साल मैनू आवाज आंदी है जा टुर जा, मैं तेरी कोई तौबा कोई तेरा अमल कबूल नहीं करना, पर मैं मुड़ भी आना। ख्वाजा साहब फरमाते ने बेलिया इत्थे ना माफी मांग, हुण गल ते गौर करो जरा, इत्थे ना माफी मांग, आज पिछे कबूल हो नहीं, पहला अपनी मां मना मुड़ खुदा मना, जिदे नाल मां राजी होवे ओदे नाल खुदा ते मुस्तफा राजी होंदे। तू इत्थे किवें आया है, चल पहले मां मना। उसा क्या सैयद बादशाह मैं बड़ी कोशिश की थी पर मां राजी नहीं होंदी। सरकार मैं बड़ी कोशिश की थी पर मेरी मां मेरे नाल राजी नहीं होंदी, बड़ी कोशिश की थी। सैयद हो आले रसूल हो कोई मेहरबानी चकर हो जे मां राजी हो जाए। साडे मुड़ बंदिया का यह हजूर दे उमतियां का तरीका है, जे सैयद आ जाण तो आंदे हुण दूजियां छड्डो सैयद आ गया हुण मन जाओ। अदीना ने मोहतरम उस वेले जदू ये बात होई है सरकार फरमांदे ने चल तेरे नाल चलना तेरी मां राजी करिए। जदू घर आए दरवाजा खटखटाया मां पुछिया कौन है, अम्मा तेरा फलाना पुत्र, फरमाया वापस चला जा मैं तेरे नाल ढाडी नाराज। अल्लाह अकबर अर्ज करदा है अम्मा अज मैं कल्ला नहीं आया, मेरे नाल आले रसूल भी आए ने। उस वेले मां टुरदी आई है सदके जावा, मेरे बूहे ते रसूल अल्लाह दी आल आए ने, दरवाजा खोलिया सैयदादे नूं बिठाया, फरमाया सरकार आओ किवें आए हो, फरमाया मां दस अपने इस पुत्र नाल क्यों रेंजे। अर्ज कर दिए सैयदादे रमजान दा महीना इस रोजा कोई ना रखिया मैं रखिया होया। इन जोर वेले आखिया अम्मा रोटी पका दे, मैं आखिया बेटा रमजान मैं सैयदा जारा दी नौकरानी हां, मैं खाना दिने नहीं पकाना, सोनिया इन्ने नाराज हो के मैनू मारिया। सोना अल्लाह दे नबी दी आलो मैं जख्मी हो गई। उस दिन दा घरों निकल गया होया, हर साल आउंदा है मां माफ कर मैं माफ नहीं कर दी। ख्वाजा मोइनुद्दीन रो पे फरमाया बागा वाली ए माए जे तू नाराज है ना वास्ते काबे गया वी कम नहीं पिया बनदा, अल्लाह नाराज होया होया। जे तू नाराज है तो मुड़ काबे गया वी कम निस बनदा पिया, ए पक्का दोज़खिया। अल्लाह अकबर तेजे जानी है के दे गुनाह माफ हो जान, ए तेरा पुत्र दोज़ख च ना जाए अपने पुत्र नाल राजी हो जा। अल्लाह अकबर मां फरमा दिए तू सैयदादा है मेरे घर आए तुहाडे आउण ते माफी दे रही हां। अल्लाह फरमाया मोइनुद्दीन इनू कह दे हुण भावे काबे आवे या ना आवे इहदे पिछले अज भी कबूल हो गए ने।
ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਆਦਬ ਕਰਿਆ ਜੇ ਖਬਰਦਾਰ ਕਦੀ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਨਾ ਉਠਾਇਆ ਜੇ ਹੱਥ ਉਠਾਉਣਾ ਤੇ ਬੜੀ ਜੁਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਵਕੁਲ ਲਹੁਮਾ ਕੌਲਲ ਕਰੀਮਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚੀਆਂ ਨਾ ਕਰੇ ਅੱਲਾ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਕੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਕੋਈ ਨਾ ਰੱਬ ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਅੱਗੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਏਡੇ ਰੁਤਬੇ ਨਹੀਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਮਰਨਾ ਤੇ ਦੂਰ ਹੈ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਵਾਲਾ ਤਨ ਹਰ ਹੁਮਾ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕੀ ਨਾ ਪਿਛਲੀ ਉਮਰਾਂ ਅਕਲ ਟਿਕਾਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੰਮਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅੱਬਾ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਟੋਕਦਾ ਹੈ ਭਾਈਆ ਬੱਚੇ ਦਾ ਤੇ ਬੁੱਢੇ ਦਾ ਅਕਲ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਦੁੱਧ 'ਚ ਖੰਡ ਪਾਓ ਅਤੇ ਕਦੀ ਕੱਢੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਵੇਂ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਬੁੱਢੜੇ ਹੋ ਜਾਣ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਝਿੜਕੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਝਿੜਕੀ ਨਾ ਸਖ਼ਤ ਲੈ ਜਾ ਇਖਤਿਆਰ ਨਾ ਕਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਲਤਾਨ ਬਹੁਰ ਮਹਿਤੁੱਲਾ ਅਲੈਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੇਅਦਬਾ ਖਬਰ ਅਦਬ ਦੀ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਅਦਬਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰ ਮੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਕਦੀ ਨਾ ਥੀਵਣ ਕਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮ ਦੇ ਖੇੜੇ ਆਏ ਉਹ ਕਦੀ ਨਾ ਥੀਵਣ ਰਾਜੇ ਹੋ ਅਦਬ ਨਸੀਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਬੜੇ ਨਸੀਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਤੌਫੀਕ ਬਖਸ਼ੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਹਬੀ ਸਨ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਦ ਬਿਨ ਮਾਦ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਬੀ ਇੱਕ ਸਾਦ ਬਿਨ ਉਬਾਦਾ ਵੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਦ ਬਿਨ ਅਬੀ ਵਕਾਸ ਵੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਦ ਬਿਨ ਮਾਦ ਨੇ ਤੋ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਦ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਖਿਦਮਤ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਮੇਰਾ ਗੁਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਦਕਾ ਕਰ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਦਕਾ ਕਰਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਦਾ ਸਵਾਬ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਖੂਹ ਬਣਵਾਇਆ ਖੂਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਅਫਜ਼ਲ ਉਸ ਸਦਕਾ ਤੇ ਮਾਉਦ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਦਕਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਸਹੀ ਫਰਮਾਇਆ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਦਕਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਕਰੀਮ ਨਬੀ ਸੋਹਣੇ ਨੇ
अल्लाह अकबर। मैं कुर्बान होवां सरकार दे गुलामां तों, सरकार दे गुलामां दी सोहणी वंड तों, खूह बनवाया ते अपनी मां दे नां ते वकफ कर दिता। जिन्ना चिर लोग पानी पींदे रहणगे उहदा सवाब मेरी अम्मी नूं जाएगा। अपनी मावां नूं दुआवां विच याद रख्या करो, जदों दुआवां पढ़ो ते अपनी मावां नूं याद रख्या करो। और नमाज मां बाप नूं याद रखण दा बेहतरीन जरिया है। जदों असीं सारी नमाज पढ़ने ना ते आखर ते पता की पढ़ने, रब्बन अगफिर ली वाली वालिदैया, अल्लाह सोहणिया मेरी अम्मी नूं भी बख्श दई ते मेरे अब्बू नूं भी बख्श दई। वलिल मोमिनीन यौम यकूमुल हिसाब, सारे ईमान वालियां नूं यौम हिसाब तक बख्श दई। सो भाईओ, नमाज पढ़ के अपने वालिदैन वास्ते दुआ करया करो। नमाज पढ़ी आखर ते दो नफल पढ़ के आख्या, अल्लाह सुनिया इन्हों का सवाब मैं अपनी मां नूं करना, अल्लाह सुनिया इन्हों ही साले सवाब मैं अपने अब्बू नूं करना। कभी कोई पानी किसी गरीब नूं पिला दिता, कभी किसी गरीब नूं खाना खिला दिता, कितनी खूबसूरत बात हो जाए, कितनी मजेदार बात हो जाए। अजी साथियों, एक दिन एक बंदा उन आदत सी वो लोगन खाना खाया, बंदन खाना खाया, मेहमान नवाज। एक दिन उन्हें ख्वाब विच हजूर मिले, हजूर ने फरमाया तू सारियां दा खाना पकाना है, मेरा कभी नहीं पकाया। या रसूल अल्लाह तुहाडा खाना किवें पकावां? फरमाया किसे आलमे दीन नू खाना खवा इंजी जिवें मैं खाना। उन्हां फिर उलामाए के आलमे दीन नू खाना खवाया इस नीयत ते के रसूलुल्लाह सरकार राजी हो जाए। तो कदी अपने वालिदैन दे इसाले सवाब वास्ते खाना पका के किसे बुढ़ी माई नू खिला दिया करो, किसे दीन दे तालब इलम नू खिला दिया करो, किसे बूढ़े गरीब नू खिला दिया करो कि इंदा इशाले सवाब मेरी वालदा नूं जाए, मेरे वालद नूं जाए। कभी किसी गरीब ज़ईफा नूं कपड़े लै दिता करो कि ए मेरी मां दे इशाले सवाब वास्ते पा लै। किसी मदरसे विच पढ़न वाली तालब इलम लड़की नूं किसी दिन कपड़े लै दिया करो कि ए बच्ची गरीब है, साडे कोल गरीब बच्ची नहीं पढ़दी। अमीरां दियां भी पढ़दियां लेकिन गरीबां दियां नहीं पढ़दियां, लेकिन लड़कियां वाले मदरसे सिर्फ गरीबां दे लड़के। मैं जब भी मैंने कोई परेशान हो ना, मैं बैठिया बैठिया कुछ दिन परेशान हो जाऊं तो मैं सुकून हासिल करने वास्ते मदरसे दे बच्चों खाना खवाना, अगे भी मैं ही खवाना, पर उस दिन मैं अज का स्पेशल खवाओ, बच्चों खाना खवाओ, अल्लाह मेरी परेशानी दूर कर देंगे। अच्छा खाना खिलाओ, खाना खिलाना इबादत है, खाना जरूरत है, खिलाना इबादत है। सो अपने बुजुर्गों के साले सवाब वास्ते सदका नफला की नीयत है तालब इलमान खाना खिलाया करो, गरीबन ज़ईफन खाना खिलाया करो। रसूलुल्लाह सरकार की जौजा हज़रत खदीजा फौत हो गई तो रसूलुल्लाह हर साल एक बकरी ज़बह करते सन और हज़रत खदीजा दियां सहेलियां नूं उनका गोश्त गलदे सन। या रसूलुल्लाह इसकी की वजह है? फरमाया खदीजा कबर च मेरे ते राज़ी होगी। समझ आ गई आप? बीवियां मर जान तो उन्होंने बोल नहीं जाइदा, बीवियां नाल मुहब्बत करना और उन्होंने पिछू मरण तो बाद भी याद रखना मेरे नबी सरकार की सुन्नत है। हजूर मरण तो बाद भी उन्होंने याद रखा। हजरत सईद आयशा सदीका फरमानियन, मैं अर्ज करनी या रसूल अल्लाह तुसी खदीजा का इंज जिक्र करते हो जिवें दुनिया से और औरत ही कोई नहीं, क्योंकि हजूर उन्होंने जिक्र ही एड्डी मुहब्बत नाल करते हैं। अल्लाह अकबर कबीर, अल्लाह भाईओ रजीदो, मामा बड़ी शह होंदियां ने। मैं तुहाने कर्ज करता हूं, जदों मामा जीउंदियां होण ना, मामा ते मैं तजर्बा है ते बंदे नूं इन्नी कु कामयाबी मिले
सारे जान नूं दसीए ते उहनां दे चेहरे ते ओह तासुरात नहीं पैदा हुंदे जिहड़े मां दे चेहरे ते इन्नी कुछ सुण के पैदा होए सी। बंदिआं नूं दसीए ना वैसा कामयाबी हासिल कीती है, ओह उत्तू हसदे पे हुंदे ते विचू रोंदे पे हुंदे। खालवी उहनां नूं दसीए ना वैसी कामयाबी हासिल कीती है, उत्तू ओह मूंह खिलार लैंदे मुस्कुराहट नाल ते अंदरों रोण लग पैंदे। सदके जावा मां दसीए ना तेरा पुत्र कामयाब होया है तो उत्तू रोन लग पौंदी है, अंदरू राजी हुंदी पई हुंदी, वल्ला वो खुशी दे अथरू होंदे होंदे जिहड़े उहदे वगण लग पौंदे मां दे कि मेरे पुत्र नूं अल्लाह कामयाबी दित्ती। इजहारे तशक्कुर और जज्बात तो लबरेज अथरू निकलन लग पौंदे और अंदर मां का खुशी नाल भरिया हुंदा है। मैं सदके जावा ते कुर्बान जावा मेरे पुत्र नूं अल्लाह एडी कामयाबी दित्ती। मावां दा पुत्तर पता उदू लगता है जदू टुर जा, जिउंदिया नहीं जे पता लगता मां की शै। अपनिया मावां दी जिउंदिया खिदमत करिया करो यार, अपनिया मावां नाल जिउंदिया प्यार करिया करो, ये नेमत है दोबारा नहीं मिल सकती। बंदा जिथे टुर जाए दुनिया के जिस कोने ते टुर जाए जिन्निया कामयाबियां हासिल कर ले हर शै खरीद सकता है, मां नहीं जे लभदी। ए मुड़ नहीं जे दुनिया ते रिश्ता मिलना, ए स्वाद मुड़ नहीं जे आना, ए प्यार एडा खालस ते सुथरा तुहानू किते नहीं जे मिलना जिड्डा मां दा है। मां दा कोई प्यार ही बड़ा है, वो पुत्तर दीआं गलतियां वेख के भी कुर्बान हुंदी रहन। मैं एक जगह ते ना एक तहरीर पढ़ रहा सां कि बारिश च पुत्तर भिजदा आवे ना अब्बा ते अम्मा दोवें वेंदे पे हों ते अब्बा वेख के आंदा पुत्तर खलो जाना आई, बारिश रुक लैंदी ते फिर आ जांदो। मां आंदी है मेरा पुत्तर जो आउंदा पिया बारिश रुक जांदी। फर्क नहीं समझिया, फर्क की है अब्बे नूं पुत्तर नूं वेखण दा एडा चाह नहीं हो जो सेहत दा ख्याल है, पर मां दी ये बारिश रुक जांदी मेरा पुत्र बाहर ना रुकदा मेरी अखां दे सामने ना। हाय मां मैं तेरे प्यार तो कुर्बान हो जावां, हाय मां मैं तेरी मुहब्बत तो कुर्बान हो जावां, हाय मां तेरा प्यार कित्थों मिलेगा, दुनिया सारी दे लोग मुहब्बतां पे करन। ऐ उस्मान ना लैंदा है ना मेरा या किसी दा भी, मौलवी साहब दा ये जूं गिनन लगदे ने नाम वड्डा वड्डा पीरे तरीकत रब रही फलाना 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 ये ऐडा ना लेंदे ते जेड़ा मेरा ना है ना फैजुल हसन मां पूरा कदी ना सद्या, अद्धा सद्या, अद्धे नवी डिंगियां करके सद्या, पर मिंबर ते बह के आना वो अद्धा भी टेढ़ा करके सदन है जिड्डा स्वाद आउंदा वो इस लम्मे ना स्वाद नहीं आउंदा। हालांकि बड़ा लंबा करके ना लेंदे लेकिन इस लंबा ना लैने चो स्वाद नहीं जिदा वो निका ना लैने च मां दे सदियां स्वाद होगा। प्यार ही वखरा होंदा सी, मुहब्बत ही वखरी होंदी। सो एडी अजीम और मुहब्बत वाली मां वास्ते दुआ कर लिया। बुजुर्ग फरमांदे ने तफासीर च लिखिया और हदीस च आउंदा कि जदों बंदा जांदा है ना उन्हूं आखरत दे समंदर च डुब जांदा है, आखरत दे समंदर विच उंदी रूह डुब जांदी है। मेरे नबी ने फरमाया अल मय्यतु कल गरीक, मरण वाला इंज हुंदा जिवें डुबदा पिया, वो हाथ इंज मार रहा हुंदा है जिवें डुबण वाला मारदा है। यंतज़िरु दावतन, जदों उन दुआ दित्ती जांदी है ते फरिश्ते उन्हूं उस आखरत दे समंदर विचों कढ के जन्नत दा आला रुतबा दे छड्दे। ये डुबदा सी पिया पर इहदे वास्ते हुण दुआ इहदे पुत्तर ने कर दित्ती इहनूं कढ लओ। सो सज्जण अपने मावां वास्ते अपने बाप वास्ते दुआ करिया जिवें इस सज्जण ने दुआ कीती है, ताकि साडियां दुआवां नाल साडे मां बाप नूं अल्लाह उस आखरत दे समुंदर विचों कढ के ते जन्नत दा रुतबा दे दे। तुहाडे मां बाप डुबे ही रहे तुसीं दुआ ही ना कीती ते फिर तुसीं जम्मे ते आए हो पर उहनां नफा ना होए। भाई सारे दुआ पढ़ो, अलम शरीफ पढ़ो, कुल शरीफ पढ़ो, ताकि ऐसी दुआ पढ़ो।